गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लेट मी नो गाइज, आई एम ऑडिबल एंड विजुअल। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं सभी लोग? लेट मी नो गाइज, आई एम ऑडिबल एंड विजुअल। माई सेल्फ प्रवीण सिंह एंड वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर स्वागत है। गाइस जल्दी से सभी लोग जुड़ते जाओ फटाफट एक ऑसम से सेशन के लिए। फटाफट सभी लोग जुड़ते जाइए एक ऑसम से सेशन के लिए। देखो आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कर रहे हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेज में देखा होगा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री के बारे में, वहाँ के वाटर पार्ट्स को समझा हुआ, माउंटेन्स हमने पढ़ रखा हुआ है। अब हम लोग बेसिकली आज के सेशन में प्लेटूज जो है इंपॉर्टेंट, वहाँ पे उन प्लेटूज को समझेंगे और वहाँ पे कौन कौन से लेक इंपॉर्टेंट, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इट इज बहुत ही एक औसम सा सेशन है, बेहतरीन सा सेशन है। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाओ और जैसा कि आप लोग हर बार करते हैं क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखो अपन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आते हो तो कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। उनके अलावा अपन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो प्लस और आइकोनिक दो तरह के कोर्सेज में आपके पास अवेलेबल हैं। कई बार हम लोग केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि चलो केवल ऑप्शनल पढ़ते हैं, तो ये भी आपके पास है। ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स हैं सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं और यहाँ भी आप यदि रेफर कोड प्रिंट मोड यूज़ करते हो आपको 10% ऑफ मिलता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होते हैं देखो बेनिफिट यहाँ पर लाइव और इंटरेक्टिव सेशन है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एसएसए टेस्ट सीरीज यूजेज एंड डाउट सेशन एंड कई सारे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और आप रेफरल कोड यदि प्रवीण वन यूज़ कर जाते हो तो आपको इमीडिएट 10% ऑफ भी मिलता है, साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिल जाएगी। 12 मंथ के लिए आपको पे करना है 49,500, प्रवीण वन कोड के बाद पे करके 44,550, ऐसे कुछ 24 मंथ तो 36 मंथ के लिए भी है। जबकि आइकोनिक कोर्सेज में आप आते हो तो 12 मंथ के लिए आपको पे करना होता है 74,500 और प्रवीण वन कोड के बाद पे करते हो 67,050 रुपये, ऐसा कुछ 24 मंथ 36 मंथ के लिए। देखो आइकोनिक कोर्सेज में कई सारे बेनिफिट मिलने के साथ आपको पर्सनल कोच दिए जाते हैं, सो इट इज कॉल्ड द मेंटरशिप प्रोग्राम। यानी प्लस और आइकोनिक कोई भी कोर्स लोगे प्रोविडेंट कोड के थ्रू आप इनरोल हो सकते हो। ठीक है, और एवरी संडे 11 AM पर आप लोग कॉम्बैट देते हो, उस कॉम्बैट या प्रोविडेंट कोड के थ्रू इनरोल हो गए तो आप कुछ स्कॉलरशिप भी आपको मिलने हैं और आपकी जो प्राइसेज जो जल्दी से हाइक होने वाले 15 अगस्त के बाद आपकी प्राइसेज बढ़ने वाली हैं, तो सॉरी 15 सेप्टेम्बर से तो कॉम्बो पर भी कुछ अमेजिंग ऑफर हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, कुछ कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो गाइस एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, फटाफट सभी जुड़ जाओ और क्लास को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यदि मैं आता हूँ तो इन द लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर माउंटेन्स पार्ट को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, यहाँ पे अलास्का रेंज है, ये ब्रूस्क रेंज का रीजन है, ये कोस्ट माउंटेन का रीजन है, यहाँ पर आपको कैस्केड है, ये सियरा नेवादा है, ये रॉकी है, कुछ ऐसा हमने डिस्कस किया था। इधर आते हैं तो ऑपरेशन माउंटेन का रीजन है, ये कैनेडियन सिल्ट का बेल्ट है। तो यहाँ तक कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन किसी को भी, यदि आप उसी तरह से आप जाते हो कैलिफोर्निया के अंदर सॉरी मेक्सिको में तो यहाँ पर है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये है सियरा माद्रे ओरिएंटल। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास तक, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट किसी को भी बच जल्दी बताइए फटाफट। गुड इवनिंग शिवानी। ठीक है, अब देखो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर हम आते हैं। तो यहाँ पर जैसा आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप में जाते हैं और फिजिकल मैप में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है वाटर बॉडीज, ऑलरेडी हम लोग वाटर बॉडीज कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में, वो भी हम लोग कर चुके हैं, माउंटेन्स हमारा हो चुका है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेटूज और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लेक के बारे में और रिवर्स के बारे में, कुछ इसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल मैप के अंदर। देखो अब हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, तो हम लोग वाटर बॉडीज कर चुके हैं, माउंटेन कर चुके हैं, अब हम लोग प्लेटू डिस्कस करेंगे, फिर लेक और रिवर ऐसे कुछ बढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप ओपन कर लेना, आपके पास यदि नॉर्थ अमेरिका का एटलस पड़ा हुआ तो उस एटलस के अंदर फिजिकल मैप को ओपन कर लीजिएगा, जिससे कि वो क्लास को समझने में और कंफर्टेबल फील करोगे आप लोग। ठीक है, ये वाला जो फिजिकल मैप है ना नॉर्थ अमेरिका का, इसको आप लोग ओपन कर लेना एक बार। तो आप सभी लोग रेडी हो इस सेशन के लिए? यू ऑल आर रेडी? देन गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइस। यू ऑल गाइस आर रेडी? देन गिव अ थम्स अप। देखो हम लोग समझेंगे सबसे पहले यदि हम आते हैं प्लेटूज के बारे में। देखो मैक्सिमम जो प्लेटूज आप देखोगे, कुछ आपको प्लेटूज ऐसे मिलेंगे जो आपको इंटर माउंटेन प्लेटूज होंगे,
पार्सली और फुली इनक्लोज माउंटेन। इट मीन्स होता ये है कि जब किसी माउंटेन के मिड में, जैसे मान लो ये माउंटेन रीजन्स है और यहाँ पे माउंटेन रीजन्स के मिड में ये प्लेटू का फॉर्मेशन हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। ये पार्सली भी हो सकती है, फुली इनक्लोज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको कई ऐसे इंटर माउंटेन्स प्लेटू मिलेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटू जो है वो आप लोग देखोगे तो यूकॉन प्लेटू है। यूकॉन प्लेटू, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लो, क्योंकि लोकेशन देखोगे तो आपके लिए समझ रहा है। देख लो ये वाला पार्ट आपका यूकॉन प्लेटू का रीजन है। बेसिकली आप जो ये वाला रीजन देख रहे हो ये आपका यूकॉन प्लेटू का रीजन है, जिसमें आपको ये वाला बेल्ट जो हमारा यूकॉन प्लेटू रीजन है, जो आपको यहाँ पे ब्रूस्क रेंज और अलास्का रेंज के मिड में लोकेटेड मिल रहा हुआ, यानी ब्रूस्क रेंज और अलास्का रेंज का जो क्षेत्र, उसी बीच में आपका यूकॉन प्लेटू का क्षेत्र है, जो आपको यूएसए, ये अलास्का का पार्ट है, यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है। इट इस प्लेटू की लोकेशन देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में ये फैला हुआ है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन ब्रूस्क एंड द अलास्का रेंज एंड इंटर माउंटेन प्लेटू बेसिन विच इज डिसेक्टेड बाई द मेनी रिवर्स, और ये आपको कई रिवर्स का फ्लो यहाँ पर और उनके कारण ये आपको डिसेक्टेड फॉर्म में दिखाई देती हैं, ठीक है, समझ रहे इसको। तो यूकॉन प्लेटू हमें याद रखना है कि इट्स इन द कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिटवीन द अलास्का एंड ब्रूस्क रेंज। इट इज एग्जाम्पल ऑफ द इंटर माउंटेन प्लेटू और इट इज डिसेक्टेड बाई द मेनी रिवर्स, कई नदियों के द्वारा ये आपको कट रही हैं इस रीजन में, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही यहाँ तक, देखो इसके बाद आप आओगे तो एक प्लेटू है कोलंबिया स्नेक प्लेटू। कोलंबिया स्नेक प्लेटू जैसे आप देख रहे हो ना, ये आपका ब्रूस्क रेंज वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये ब्रूस्क रेंज का पार्ट हो गया। इसके बाद बढ़ोगे तो आपको मिलने वाला कोलंबिया स्नेक प्लेटू, इट्स कॉल्ड द कोलंबिया स्नेक प्लेटू। मैप में देखो यहाँ पर, इसको मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि और आप इजिली इसको विजुलाइज कर सको कि वेयर फाउंड इज द कोलंबिया स्नेक प्लेटू। इट्स कोलंबिया स्नेक प्लेटू इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देर इज अ प्लेटू विच इज कॉल्ड द कोलंबिया स्नेक प्लेटू विच इज सराउंडेड बाई, विच इज बाउंडेड बाई, विच इज क्लोज टू द पैसिफिक ओशंस, जो पैसिफिक ओशंस के क्लोज्ड रीजन में दिख रहा होगा आपका। देखो ये कनाडा का पार्ट है, ये यूएसए है, तो यूएसए का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो कोलंबिया स्नेक प्लेटू का है। देखो इसको सबसे पहले कोलंबिया स्नेक प्लेटू क्यों कहा जाता है, वाई इट इज कॉल्ड द कोलंबिया स्नेक प्लेटू। कोलंबिया स्नेक प्लेटू इसे हम लोग क्यों कहते हैं, कोलंबिया स्नेक प्लेटू क्यों कहा जाता है, देखो इसी पीछे रीजन समझो। यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है कोलंबिया, और एक रिवर फ्लो करती है स्नेक। स्नेक जो है कोलंबिया की ट्रिब्यूटरी है। जैसे मान लो हम लोग रिवर जब टॉपिक करेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे, तो कोलंबिया इज द रिवर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्नेक इज ऑल्सो अ रिवर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। तो दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाई द कोलंबिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्नेक, सो इट इज कॉल्ड द कोलंबिया स्नेक प्लेटू। बेसिकली इट्स एग्जाम्पल ऑफ द लावा प्लेटू, इट्स अ लावा प्लेटू है, लावा प्लेटू है, और इट्स अ लार्जेस्ट लावा प्लेटू इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में आओगे तो वहां का सबसे बड़ा जो लावा पठार है वो आपको कोलंबिया स्नेक प्लेटू ही है। तो कोलंबिया इज द लार्जेस्ट लावा प्लेटू इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विच इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नाउ गाइस इट इज क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन किसी को भी, देख सकते हो। ऑक्यूपाइज द वेस्टर्न वाशिंगटन रॉकी एंड द कैस्केड माउंटेन रीजन एंड एग्जाम्पल ऑफ द लावा प्लेटू, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ द लावा है बसाल्टिक रॉक। यहाँ पे चीफ रिवर ड्रेन बाय द कोलंबिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्नेक रिवर, और इसी रिवर पे एक डैम भी बना हुआ ग्रैंड कॉली डैम। देखो ना कोलंबिया रिवर पे एक डैम, बहुत फेमस डैम है वहाँ पे, उसका नाम है ग्रैंड कॉली डैम। तो समझ में आया यहाँ तक सभी लोगों को, सभी लोग यहाँ तक ओके हैं, ऑल आर ओके गाइज, देन गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू। इसके बाद आप आते हो ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन का रीजन है, लोकेटेड बिटवीन सियारा नेवादा इन द वेस्ट एंड द वसाच माउंटेन इन द रॉकी माउंटेन इन द ईस्ट। ये आप लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने सियारा नेवादा और वसाच माउंटेन की लोकेशन किया हुआ था, तो आप देखोगे ये आपका ग्रेट बेसिन का रीजन है यहाँ पे, सॉरी ये रीजन आप देख रहे हो ना ग्रेट बेसिन का रीजन है, ये वाला ग्रेट बेसिन देख रहे हो। सियारा नेवादा इसके वेस्टर्न पार्ट में है, और इसके वेस्टर्न पार्ट में आ रहे हैं तो देख रहे हो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में वसाच रेंज है और रॉकी माउंटेन है। इट मीन्स आप देखोगे तो ये भी आपको इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल है, इट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द इंटर माउंटेन प्लेटू विच इज बाउंडेड बाई द सियारा नेवादा इन द वेस्टर्न साइड एंड द वसाच माउंटेन इन द रॉकी माउंटेन इन द ईस्टर्न साइड। इट इज कॉल्ड द ग्रेट बेसिन्स,
आर्य समझो ना कि यदि आपसे क्वेश्चन भी आ जाए कि ग्रेट ब्रिटेन जो किन दो माउंटेन से बाउंडेड है, तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या तो सभी लोग समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, सब देख सकते हो। ग्रेट बेसिन, इट इज द रियली अ प्लेटू विच इज बीन ब्लॉक फॉल्टेड ब्लैक ब्लॉक सेक्शंस ऑफ द प्लेटू नाउ फ्रॉम द ब्लॉक माउंटेन। सम ऑफ द डिप्रेशंस ग्रेट बेसिन हैव अ एक्सटर्नल ड्रेनेज, और यहाँ पे कई ड्रेनेज हैं इस रीजन के अंदर। देखो अब उसी के साउथ में बढ़े हुए प्लेटू, एक कोलोराडो प्लेटू, यहाँ पर आप देखो मैप के अंदर कोलोराडो प्लेटू देख रहे हो, ये है कोलोराडो प्लेटू जो ग्रेट बेसिन के सदर्न पार्ट की तरफ बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे एक प्लेटू, इसका नाम है कोलोराडो प्लेटू। बेसिकली इसको कोलोराडो प्लेटू इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है कोलोराडो, और इसी रिवर के नाम पर इस रीजन का नाम है कोलोराडो प्लेटू रीजन। ठीक है, तो कोलोराडो प्लेटू देख रहे हो आप लोग मैप में, ग्रेट बेसिन के सदर्न पार्ट में है। मे बी आप लोग पास यदि एटलस होगा तो उसमें दिख रहा है, ये मिल रहे हैं लोकेशन आप लोगों को, सभी लोगों को गाइज बताइए फटाफट, ये लोकेशन आप लोगों को मिल रहे हैं या नहीं? गुड इवनिंग आकाश, तो ये लोकेशन आप लोगों को मिल रहे हैं? ऑल आर ओके? देख रहे हो कोलोराडो प्लेटू है, इसके लोकेशन याद रखिएगा कोलोराडो प्लेटू। ठीक है, देखो कोलोराडो प्लेटू के बारे में समझो, कोलोराडो प्लेटू इंटर माउंटेन प्लेटू विच इज लोकेटेड बिटवीन रॉकी माउंटेन एंड द सियरा नेवादा, जो रॉकी माउंटेन और सियरा नेवादा के पास में है, और ये इस रीजन में आप जाओगे तो डेजर्ट भी है। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे एक डेजर्ट भी पास में दिख रहा है आपको कोलोराडो प्लेटू रीजन में, इसका नाम है मोआवे डेजर्ट। देख रहे हो, अब यहीं पे एक छोटी सी चीज और हम लोग समझ लेंगे। इस रीजन में आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको एक रिवर फ्लो करती है कोलोराडो, और कोलोराडो रिवर के द्वारा यहाँ पे कैनियन का फॉर्मेशन हुआ है, कैनियन बना हुआ है। देख लो ये कोलोराडो रिवर है, इसी रीजन में फ्लो करती है। ठीक है, और ये कैनियन का फॉर्मेशन है, उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। देखो यहाँ पर है ग्रैंड कैनियन, इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आप देख सको इजीली। देखो ये है कोलोराडो रिवर, इसी कोलोराडो प्लेटू रीजन में फ्लो करिए, और यहाँ पर एक फॉर्मेशन करिए ग्रैंड कैनियन का। ग्रैंड कैनियन इज द लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड है, एंड इट मीन्स कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी कैनियन का फॉर्मेशन हुआ है, सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है? इट्स अ ग्रैंड कैनियन। तो हमें याद रखना है कि ग्रैंड कैनियन इज द लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये कोलोराडो रिवर यहाँ पे आपको कैनियन का फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, और ये ग्रैंड कैनियन लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड है। विश्व में जितने भी कैनियन बने हैं उसमें सबसे बड़ा कैनियन आपको यही है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? फटाफट जल्दी से बताइए, यहाँ तक सभी लोग ओके हैं? देखो अब जैसे अब ये कोलोराडो प्लेटू करी जाने, उसे साउथ में आते हो मैक्सिको कंट्री, और यहाँ पर आपका मैक्सिकन प्लेटू है। मैक्सिकन प्लेटू इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द इंटर माउंटेन प्लेटू, और ये आपको सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के मिड में सिचुएटेड है, इट्स अ मैक्सिकन प्लेटू है। ठीक है, मैं रिप्लाई कम देता हूँ सुब्रता, आई थिंक ऐसा नहीं होता, मैं किसी भी बच्चे का क्वेश्चंस का, आपने क्वेश्चंस कुछ पूछा तो है नहीं आज मुझसे, आपका फर्स्ट मैसेज ही है। ठीक है, तो आप देखोगे मैक्सिकन प्लेटू जो है बिटवीन द सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड सियरा माद्रे ओरिएंटल के मिड में सिचुएटेड है, जो आपका मैक्सिकन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, जो मैक्सिको कंट्री के साथ में, इट्स अ मैक्सिकन प्लेटू लोकेटेड बिटवीन द सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड सियरा माद्रे ओरिएंटल इन द मैक्सिको। याद रहेगा यहाँ तक सभी लोग को? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? जल्दी से बताइए फटाफट मुझे। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, उन वैलीज को भी थोड़ा सा जान लो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली है डेथ वैली। डेथ वैली, ठीक है, ये आपका डेथ वैली, कैलिफोर्निया और नेवादा वाले बीच में देखो तो डेथ वैली का पार्ट दिखा, रॉकी माउंटेन के वेस्टर्न साइड में। ठीक है, रॉकी माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट में देखोगे तो आपको डेथ वैली की लोकेशन दिखेगी। डेथ वैली, कल भी शायद इसके बारे में मैंने बताया था, एक बार फिर से इसको समझ लो। लाइज द वेस्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन इन कैलिफोर्निया। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट है ये नॉर्थ अमेरिका का, इट वॉज नॉर्थ अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। डीपेस्ट तो इसको नहीं बोलेंगे बट लोवेस्ट जरूर बोलेंगे, डीपेस्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे, लोवेस्ट समझो, लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, डीपेस्ट में एक्चुअली हम डीप में कई बार हम लोग ओशंस के साथ रिलेट कर जाते हैं, बट ये आपको लोवेस्ट है जो सी लेवल से भी नीचे आपको,
और यहाँ पे हाई डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है इन द वर्ल्ड रिकॉर्डेड है यहाँ पर, यानी पूरे विश्व में देखोगे तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक यहीं पर रिकॉर्ड किया गया है डेथ वैली के अंदर। अब पूरे नॉर्थ अमेरिका का हॉटेस्ट रीजन यही है, हॉटेस्ट रीजन भी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप आते हो तो, ठीक है। समझ रहे इसको, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो यहां पर एक जैक्विन वैली है, सैन जैक्विन वैली कैलिफोर्निया स्टेट में, ये भी है आपको कैलिफोर्निया में, जो सैन फ्रांसिस्को सिटी देख रहे हो, सैन फ्रांसिस्को के सदर्न पार्ट की तरफ बढ़ोगे तो आपको जैक्विन वैली मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में, ठीक है। जैक्विन वैली ऑल्सो इन द कैलिफोर्निया स्टेट, लाइज बिटवीन द कैलिफोर्निया एंड द रॉकी इन द कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर है, याद रखिएगा जैक्विन वैली। इसके अलावा आपको सेंट्रल लोलैंड रीजन, ग्रेट प्लेन रीजन, आप नॉर्थ अमेरिका में देखोगे तो ये रीजन आपका बेसिकली, हम लोग इस पार्ट को ग्रेट प्लेन का रीजन भी बोलते हैं। ये रीजन ना आपको मिसिसिपी और मिसौरी रिवर्स हैं, उनके सेडिमेंट का डिपोजिशन है और उसके डिपोजिशन से रीजन आपका बना हुआ है, इसको हम लोग ग्रेट प्लेन के नाम से जानते हैं। ग्रेट प्लेन रीजन स्ट्रक्चरल प्लेन है, मिसिसिपी मिसौरी रिवर के द्वारा फॉर्म रही है और यह आपको व्हीट कल्टीवेशन के लिए खास हो जाना था समर एंड द विंटर में। तो यहां तक समझ में आया सभी लोगों को। गल्फ कोस्टल प्लेन जो है ये आपको मिसिसिपी रिवर का डेल्टा वाला रीजन, ये आपको ये रीजन जो देख रहे हो, ये देख रहे हो ना आपको, इसी को हम लोग गल्फ कोस्टल प्लेन, गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास में, इसको कह हम लोग गल्फ कोस्टल प्लेन। ये आपका बना ग्रेट प्लेन रीजन और ये आपका है गल्फ कोस्टल प्लेन और ये आपका सेंट्रल लोलैंड रीजन है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने माउंटेन पार्ट ये देख सकते हो, ग्रेट बेसिन यही पर है आपका, ये आपका ग्रेट बेसिन है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने माउंटेन प्लेटू रीजन और प्लेन रीजन को डिस्कस कर लिया और यहाँ पे डेजर्ट भी है, मोआवे डेजर्ट, जो मोआवे डेजर्ट को हमने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन, यदि यहाँ तक सभी लोग ओके प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइस, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, इट मीन्स अब हम लोग लेक वाले पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो नाउ गाइज ऑल आर ओके, यहाँ तक आप सभी लोग ओके हैं, इफ यू ऑल आर ओके देन गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइज। यस कैनियन सिटी भी होगा, उसमें क्या दिक्कत है सुब्रत, वहां पे कैनियन सिटी भी होगा। यहां तक ओके हैं सभी लोग, जल्दी से बताओ फटाफट मुझे। देखो अब हम लोग आते हैं लेक को समझना है, तो सबसे पहला काम आप लोग करो अपने नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप में आ जाओ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक दिख रहे होंगे। देखो ये लेक है ग्रेट बियर लेक, सबसे पहले कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में पहुंचो, आपको दिख रहा होगा ग्रेट बियर लेक, ठीक है, अपने एटलस में टिक कर लो। उसी के साउथ आपको ग्रेट स्लेव लेक दिख रहा होगा, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक देखो। इसके साउथ में आपको मिलेगा अथाबास्का लेक, अथाबास्का लेक, अथाबास्का लेक, वहीं पर आओगे रेंडियर लेक और विनिपेग लेक। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेंडियर लेक एंड विनिपेग लेक, इसको मैप में अपने टिक करो तो जल्दी से सभी लोग फटाफट, सभी लोग टिक कर लीजिए फटाफट। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का लेक, रेंडियर लेक एंड द ग्रेट विनिपेग लेक, ये सारे लेक आप लोगों को मिल गए जो मैंने नाम लिए थे। ये जो लेक है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेंडियर लेक और विनिपेग लेक, ये आप नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जाओगे तो ये रिवर्स मिलेंगे, लेक मिलेंगे। कई बार हमसे प्रीलिम्स में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया था कि इन्हें नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में अरेंज कीजिए, तो आप इनके बारे में बता सकते हो, ग्रेट बियर, देन सदर्न पार्ट में ग्रेट स्लेव लेक है, उसके सदर्न पार्ट में अलास्का लेक है, फिर आपका रेंडियर लेक है, फिर आपका लेक विनिपेग है। देखो ग्रेट बियर लेक के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है वो है कि आर्कटिक सर्कल जो है यहां से क्रॉस करता है। अब देख रहोगे इस लेक से आपको आर्कटिक सर्कल भी पास कर रहा है, कहां से, ग्रेट बियर लेक वाले रीजन से। ऐसे आप यदि एटलस में देख रहे हो तो आर्कटिक सर्कल जो 66 एंड हाफ डिग्री
नॉर्दर्न लैटिट्यूड है हमारा, वो भी आपको यहाँ से पास करता है ग्रेट बियर लेक से। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आर्कटिक सर्कल कहाँ से पास करा, तो ग्रेट बियर लेक के साथ में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, ये भी आपको कनाडा में सिचुएटेड है। इसके ऑनशोर पर द कॉपर और गोल्ड मिलते हैं, यहाँ पर इस रीजन में आओगे तो ये आपको कॉपर और गोल्ड के लिए भी आई है ग्रेट स्लेव लेक। इसके बाद आओगे अथाबास्का लेक, देखो अथाबास्का लेक के नॉर्दर्न टिप पर आपको एक सिटी होगा यूरेनियम सिटी, नाम से क्लियर है, यूरेनियम सिटी सिचुएटेड जो अथाबास्का लेक के नॉर्दर्न सिटी पर सिचुएटेड है, तो इसको याद रखिएगा, वहाँ की फेमस सिटी है यूरेनियम सिटी जो नॉर्दर्न सिट पार्ट पे है, कहाँ पे, अथाबास्का लेक के नॉर्दर्न सिट पर, विच इज कॉल्ड द यूरेनियम सिटी, ठीक है, यूरेनियम सिटी लाइज ऑन द नॉर्दर्न शोर ऑफ द लेक। देखो जो रेंडियर लेक है उसकी लोकेशन को याद रखना, जो विनिपेग लेक है ये आपको मैनिटोबा वहाँ पे एक प्रोविंस वहाँ पे सिचुएटेड है, और बेसिकली ये जो विनिपेग है ना, इसके बारे में एक चीज समझो, ये एरिया जो है आपका ना, आप ऐसे समझो इसको, ये रीजन आप देख रहे हो कनाडा और यूएसए का, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, इस रीजन को बोलते हैं लोग प्रेरी रीजन्स, प्रेरी, प्रेरी रीजन क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है ये, टेम्परेट ग्रासलैंड, इट मींस इट्स नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका है, इट्स एग्जांपल ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएसए में फैला हुआ एक टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरी, और टेम्परेट ग्रासलैंड जितने भी होते हैं व्हीट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, व्हीट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं गेहूं के लिए, और उसी प्रेरी रीजन में आपको लेक विनिपेग की लोकेशन है, एक इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पर, और ये सारे लेक आपको ग्लेशियल डिपोजिशन से कहीं ना कहीं किसी तरीके से फॉर्म्ड हुए हैं, ये ग्लेशियली डिपोजिशन है, ग्लेशियल एक्टिविटी का ये रिजल्ट है सारे। आ रही बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूजन, जल्दी बताओ फटाफट मुझे, ऑल गाइज आर ओके, यहाँ तक आप सभी लोग ओके हैं, देख सकते हो यही आपका लेक विनिपेग है, ये ऑल आर ओके, देन गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू। देख रहे हो इस रीजन में आपको साचकेचवान रिवर है, विनिपेग रिवर है, ऐसे रिवर्स भी आ रही हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेडियर लेक और विनिपेग लेक। अब देखो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ लेक्स हैं एक साथ जुड़े हुए हैं जो कनाडा और यूएसए दोनों कंट्री में फैले हुए हैं, उनको हम लोग ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, उनको हम लोग ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि यदि आप में से कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का एस्पिरेंट है तो मेरी फ्री क्लासेस चल रही समय यू अनअकैडमी के ऐप पर, जिसकी टाइमिंग 3 PM पर है, जो मंडे टू फ्राइडे में लेता हूँ, इस फ्री क्लासेस को आप ज्वाइन करते हो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के यदि आप एस्पिरेंट रहते हो तो वह यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, आप ज्वाइन करते हो फ्री क्लासेज है, और फर्स्ट टाइम आप आते हो अनअकैडमी ऐप पर तो प्रवीण वन कोड के थ्रू अनलॉक कर सकते हो, और ये मेरा प्रोफाइल लिंक है प्रवीण सिंह 5409, तो आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर लोगे तो मेरी क्लासेस की अपडेट भी आपको इजिली मिल जाएंगी वो, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन है छोटा सा, अब देखो हम लोग आते हैं, देखो सबसे पहले समझो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ लेक्स हैं जिनका नाम है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक्स क्या है, इसके अंदर टोटल 5 लेक्स हैं, और इन्हीं 5 लेक्स को एक साथ मिलाकर हम लोग ग्रेट लेक्स के नाम जानते हैं जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फैला हुआ है। वो कौन से लेक हैं, तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है और ओंटारियो है, ये टोटल 5 लेक्स है, और इन्हीं 5 लेक को हम लोग ग्रेट लेक्स के रूप में समझते हैं। इसको मैप में देखोगे तो पहले इसका मैप देखते हैं, देखो ये है कनाडा और ये है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये टोटल 5 लेक्स हैं और ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ग्रेट लेक्स। इफ यू मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट तो डायरेक्शन इज द लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी एंड द लेक ओंटारियो। कई बार क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेट लेक्स को पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाइए, तो आप उसका आंसर दोगे सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, सॉरी मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है और ओंटारियो है, ठीक है, याद रहेगा, जिसको हम लोग होम्स कह जाते हैं शॉर्ट में, होम्स कहते हैं ना शॉर्ट में याद रखने के लिए, होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, ये आप होम्स याद रखोगे तो आपको याद रहेंगे ग्रेट लेक्स के नेम सारे। मेरे टेलीग्राम आईडी धीरज है unacademy_praveen1, प्रवीण वन मेरा रेफरल कोड है और उसके थ्रू आप जुड़ सकते हो। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन से, आपका सुपीरियर, सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है, ईरी है
और ऑन्टेरियो है। टोटल 5 लेक्स हैं ये, ठीक है। और ये टोटल 5 लेक्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेट लेक्स। इनमें सुपीरियर जो है सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम सुपीरियर ही है। गुड इवनिंग राज, चलिए अच्छी बात है, फर्स्ट क्लासों को समझ में आ रही है, फर्स्ट क्लास में हो तो राज, ठीक है। तो याद रखना सुपीरियर लार्जेस्ट है, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है ह्यूरॉन है, मिशिगन है, एरिया और ऑन्टेरियो है। इट मीन इस ऑर्डर में यदि आपसे पूछा जाए ग्रेट लेक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द एरिया, तो आपको बताओगे सबसे पहला है सुपीरियर, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है, फिर एरिया, फिर ऑन्टेरियो है। ग्रेट लेक्स में ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर है एरिया वाइज, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, एरिया एंड द ऑन्टेरियो, आप उसको एरिया वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओगे। बट इनमें याद रखना सुपीरियर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इट मीन यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो सुपीरियर लार्जेस्ट है, सुपीरियर के बाद जो सबसे बड़ा है वो है ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है, फिर एरी है, फिर ऑन्टेरियो है। ये हमें सीक्वेंस याद रखनी है, याद रहेगा ये चीज। आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए पूछा जाए तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, एरी है, ऑन्टेरियो है, ये वेस्ट टू ईस्ट का डायरेक्शन है। अब देखो इनमें जो ग्रेट लेक्स के सारे लेक देखो ना, जितने भी लेक हैं वो सभी आपको कनाडा और यूएसए दोनों कंट्री में है, कनाडा और यूएसए दोनों कंट्री में। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इधर कनाडा हो गया, इधर यूएस, कनाडा हो गया यूएस हो गया, कनाडा हो गया यूएस हो गया, कनाडा हो गया यूएस। सिर्फ मिशिगन जो है कंप्लीटली यूएसए में है, टोटली ये यूएसए में है। ये इट मीन्स ग्रेट लेक्स में जितने भी लेक हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी और ऑन्टेरियो ऑल आर इन द बोथ कंट्री कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट मिशिगन ओनली लाइज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें मिशिगन जो है केवल और केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन? देख सकते हो ये सारे आपको ग्रेट लेक्स के एग्जांपल्स हैं। अब देखो ये ग्रेट लेक्स को ना आपस में कैनाल के थ्रू कनेक्ट किया गया, नहरों से जोड़ दिया गया, बीच बीच में नहरें बना के इनको जोड़ दिया गया, इनलैंड वाटर वेज के लिए, इनलैंड वाटर वेज डेवलप करने के लिए यहाँ पे कैनाल बनाया गया। तो आप देखोगे सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ता हुआ कैनाल जो बना उसका नाम है सू कैनाल, सू कैनाल। तो आपसे कभी क्वेश्चन है कि सू नहर जो है किनको कनेक्ट करता है, तो सुपीरियर एंड द ह्यूरॉन, सू कैनाल, इट्स कनेक्ट सुपीरियर एंड द ह्यूरॉन विच इज कॉल्ड द सू कैनाल। जो कि ईरी और ऑन्टेरियो को जोड़ता हुआ जो कैनाल है उसका नाम है वेल लैंड कैनाल, वेल लैंड कैनाल, वेल लैंड नहर जो है ये आपको जोड़ रहा है किसको, ईरी एंड ऑन्टेरियो। इसको नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, वेलैंड कैनाल कनेक्ट एरिया एंड द ऑन्टेरियो एंड सू कैनाल कनेक्ट सुपीरियर एंड द ह्यूरॉन। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज डेवलप है, आप इजिली आप जा सकते हो इस रीजन से आप यहाँ तक शिप के थ्रू। यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत किसी को? और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल, इसका नाम सभी लोगों ने सुन रखा होगा। जो नियाग्रा वाटरफॉल है ये भी आपको ऑन्टेरियो और एरी के मिड में ही है। नियाग्रा वाटरफॉल ना आपको कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों जगह पड़ता है ये, और ये आपको हाइड्रो पावर के लिए जाना जाता है। हाइड्रो पावर कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हाइड्रो पावर के लिए फेमस है, उसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। और ये आपको एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है जो बिटवीन द लेक एरी एंड लेक ओंटारियो के बीच में सिचुएटेड है। समझ में आया यहाँ तक? यदि यहाँ तक सभी लोग समझ गए ग्रेट लेक्स के बारे में तो प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइस, सारी बातें समझ में आ गई तो प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइस। देखो एक लेक है ग्रेट साल्ट लेक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यह रिमेंट ऑफ द फ्रेश लेक है। इसको लोकली लेवल पर वहाँ पे बोनी विले कहते हैं, इसको लोकल लेवल पे बोनी विले कहते हैं। ग्रेट साल्ट लेक जो है इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और ये रिमेन इसको हम लोग ना रेसिडुअल लेक भी कह सकते हैं, रेसिडुअल, इसको हिंदी बोलेंगे अवशिष्ट झील, या अवशिष्ट झील का उदाहरण भी है जिसका लोकल नेम बोनी विले है। इसको मैप में देखोगे तो कुछ यहाँ दिखेगा आपको। देखो ये ग्रेट बेसिन देखा था ना, उसी ग्रेट बेसिन के पास में ग्रेट साल्ट लेक है। ये जो वसाच माउंटेन रेंज था ना, उसी वसाच माउंटेन के पास में देखोगे आपको ग्रेट साल्ट लेक भी दिख जाएगा, जिसको हम लोग वहाँ पे बोनेविले के नाम से भी जानते हैं।
और ये रेसिडुअल लेक का एग्जाम्पल है, अवशिष्ट झील का उदाहरण है रेसिडुअल लेक। इट्स एग्जाम्पल ऑफ द रेसिडुअल लेक, अवशिष्ट झील का उदाहरण है ये। जिसको भी याद रखेगा ग्रेट साल्ट लेक के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। तो गाइज यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को भी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। यदि यहां तक आप लोग ओके हैं तो प्लीज गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइज। ठीक है, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट में एक लेक है, लेक ओजार्क, मिसौरी में है, लेक मिड और लेक फोर्ट पेक, ये भी आपको यूनाइटेड स्टेट में है। तो इसकी लोकेशन नाम याद रखिएगा सिर्फ। ठीक है, रेसिडुअल का अर्थ सुब्रता ये होता है कि जैसे मान लो कोई लेक है, समझो इसको कोई लेक है, ठीक है, कोई लैंड मासेज है, और ये लैंड मासेज जो है यहाँ पे मान लो कोई लैंड मासेज है, इसमें से ये पार्ट और ये पार्ट अपलिफ्ट कर गया, बट ये पार्ट अपलिफ्ट नहीं कर गया और अपलिफ्ट नहीं हो पाया। इट मीन जो साइड वाले उसके आसपास के रीजन है वो अपलिफ्ट कर गए, बट ये जो सेंटर का पार्ट था वो अपलिफ्ट नहीं हो पाया और इसमें पानी जमा हो गया डिप्रेशन में, तो लेक बन गया, उसी को बोलेंगे रेसिडुअल। ठीक है, अदरवाइज की अदरवाइज देखो ना, आसपास में वसाज रेंज या अदर रेंज का फॉर्मेशन हो गया, वो पार्ट ऐसे रह गया उसमें पानी जमा हो गया, तो उसी को बोलेंगे रेसिडुअल लेक। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन जल्दी से तो फटाफट मुझे, एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट? सभी लोग समझ रहे हैं ना यहां तक? देखो आपको कल से अनअकैडमी कुछ अमेजिंग से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हो इस टाइम पे, तो इसमें बहुत सारे ऑफर्स भी हैं जो आपको बहुत जल्दी एंड होने वाले हैं, तो आपके लिए सही टाइम है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और अनअकैडमी का कोई भी आप सब्सक्रिप्शन से लेते हो, आप मेरे रेफरल कोड प्रवीण के थ्रू जुड़ते हो, तो आपको इमीडिएट 10% ऑफ मिलने के साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिल जाएगी। मेरी मेंटरिंग आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी होगी। अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल की मेरी स्पेशल क्लासेज भी चल रही है जो फ्री फॉर ऑल है, तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो 3 PM वाली क्लास को। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से यदि मेरा जुड़ते हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है unacademy_praveenvaan, इट्स माई टेलीग्राम लिंक है। क्लास को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, जिन लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया लाइक और शेयर भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है ये praveen_singh5449, आप मुझे वहां जाकर फॉलो कर लो, जिससे आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट भी मिलती रहेंगी। ठीक है गाइस, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, मतलब इट मीन्स नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर, बाय।